नाउ वी विल डिस्कस ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि हमारी श्वास नली। श्वास नली जो होती है, जब हम वायु लेते हैं तो वायु नासा गुहा से होती हुई ग्रसनी, ग्रसनी से स्वर यंत्र और स्वर यंत्र के बाद हमारी श्वास नली में जाती है। श्वास नली जो है, अगर हम देखें तो ग्रास नली इसके पीछे स्थित है और आगे की तरफ श्वास नली है। श्वास नली जिसकी हम ये कह सकते हैं लंबाई करीब 12 सेंटीमीटर होती है और इसका जो व्यास है यानी कि इसकी गोलाई है वो 2.5 सेंटीमीटर के करीब होती है। अब इसमें ये कैसे बनी हुई होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो आपका ये ट्रैक लैरिंग्स है, स्वर यंत्र है, उसमें क्या था, उपास्थि थी। तो दो उपास्थियां वहां थी, बाकी उपास्थि के अधपूर्ण छल्ले यानी कि इनकम्प्लीट रिंग्स के रूप में श्वास नली में स्थित होती है। ये श्वास नली जो होती है उपास्थि के छल्ले बने हुए हैं, कोई करीब 16 से 20 इनकी संख्या होती है और पीछे की तरफ ये फाइबर्स रेशों से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि आगे की तरफ से तो ये हार्ड होते हैं और पीछे की तरफ से सॉफ्ट होते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि आपके आगे की तरह हार्ड होने से एकदम से कोई प्रेशर पड़े तो हमारी श्वास नली जो है वो पिचकती नहीं है, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें, और पीछे की तरह ये पूरे कंप्लीट नहीं होते तो उससे क्या होता है, पीछे जो हमारी ग्रास नली होती है दैट इज इसोफेगस, जब आप भोजन निकलते हो तो भोजन जब हम निगलते हैं तो हमारी ग्रास नली फूलती है, तो ग्रास नली को फूलने का स्थान मिल जाता है क्योंकि पीछे की तरफ ये हार्ड नहीं है, इट्स सॉफ्ट बिकॉज ऑफ फाइबर्स, जो रेशे होते हैं, जो तंतु होते हैं, खासकर हम कह सकते हैं तंतुओं से जुड़ी हुई होती है, तो ग्रास नली को फैलने का स्पेस मिल जाता है। तो अब अगर हम देखें तो हमारी श्वास नली जो है वो कार्टिलेज उपास्थि के अधपूर्ण छल्लों से बनी हुई होती है। अगर हम इसको और देखें तो ये अंदर की तरफ से श्लेष्मिक कला से ढकी हुई होती है और वहाँ पे सीलिया होते हैं यानी रोम होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम वायु लेते हैं तो मैंने जैसे कहा कि बाहर का जो वातावरण की गंदगी है, धूल मिट्टी बैक्टीरिया, वो काफ़ी हद तक नाक में ही चिपक जाते हैं, ठीक है, लेकिन कई वजह से हम उनको अंदर इनहेल कर लेते हैं, हम अंदर ले लेते हैं। जब आप अगर बहुत ही ऐसी जगह में खड़े हो जहाँ पे बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है तो आपने देखा होगा आप कितनी भी कोशिश करो अंदर चली जाती है धूल, तो उस समय क्या होता है कि हमारी पूरी श्वास नली में जो अंदर जो हम ये कह सकते हैं उत्तक होता है वो आपका सिलिएटेड होता है, यानी कि रोमिक उपकला उत्तक से बनी हुई होती है और ये रोम जो होता है एक डायरेक्शन में कार्य करते हैं। जैसे ही हम वायु लेते हैं उस वायु के अंदर जो भी धूल कण होते हैं ये उसको बाहर की ओर एक साथ धकेल देते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब हम धूल मिट्टी वाली जगह में खड़े होते हैं उसके बाद हम अगर थूकते हैं ये तो हमारे जो है आप देखते हैं उसमें मिट्टी होती है, यानी कि हमारे जो अंदर इसके अंदर जो रोमिक उपकला थी उत्तक थी उन्होंने उस धूल कण को बाहर धकेल दिया। उसका कारण यह है कि ये धूल मिट्टी अगर हमारे फेफड़ों में चली जाती है तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि काफी हद तक गंदगी नाक में ही रुक जाती है और किसी वजह से अंदर आए तो श्वास नली उसको बाहर की ओर धकेल देती है। और फिर भी अगर आप धूल मिट्टी में जैसे काम करते हैं, बहुत से लोग होते हैं ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री हो गई या रेत में काम करते हैं, मजदूर करते हैं, तो उनके किसी ना किसी कारण फेफड़ों तक धूल मिट्टी चली जाती है और आपने देखा होगा उनको मोस्टली बहुत खांसी रहती है, कईयों को टीबी बीमारी भी हो जाती है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर इटसेल्फ ऐसा बना है कि अगर हम प्रॉपर रूल्स फॉलो करें, रेगुलेशंस करें, तो हम बहुत हद तक धूल मिट्टी को बाहर ही रोक सकते हैं। तो अब आपने देखा कि ये श्वास नली, ठीक है, ये श्वास नली जा रही है, श्वास नली की आगे जा करके अब दो शाखाएं हो जाती है, ठीक है, दो शाखाएं कौन सी हो जाती है जिसको हम कहेंगे श्वसनी। श्वसनी जो होती है एक राइट एंड एक लेफ्ट, दाई श्वसनी और बाई श्वसनी। दाई श्वसनी जो होती है वो थोड़ी छोटी और चौड़ी होती है और जो लेफ्ट वाली है वो पतली और लंबी होती है। अगर हम देखें तो दाई श्वसनी जो होती है उसके जैसे ही वो फुफ्फुस में प्रवेश कर रही है, अब जैसे ही वो फुफ्फुस में प्रवेश करती है तो एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही श्वसनी फुफ्फुस में प्रवेश करती है उसके अंदर उपास्थि की संरचना बंद हो जाती है क्योंकि हमारे लंग्स में उपास्थि नहीं होती, ये बात हमें ध्यान में रखनी। तो दाई श्वसनी जो है जैसे ही प्रवेश करती है तो उसकी एक शाखा होती है जिसे हम ऊर्ध्वखंड श्वसनी कहते हैं, फिर उसकी एक शाखा नीचे की ओर जाती है निम्नखंड श्वसनी और उसमें से एक शाखा निकलती है मध्यखंड श्वसनी, यानी कि दाया जो फुफ्फुस है उसमें आपको तीन शाखाएं हैं, लेकिन जो
लेफ्ट वाला है, बायां है, उसमें दो शाखाएं हैं, एक उदरखंड श्वसनी और निम्नखंड श्वसनी। तो इन्हीं शाखाओं के आधार पर हम देखेंगे कि फुफ्फुस में जो है दायां फुफ्फुस और बायां फुफ्फुस में क्या अंतर है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी अगर हम देखें तो श्वसनी जो है फुफ्फुस में जैसे ही प्रवेश करती है उसमें उपास्थि नहीं रहती और दाएं की 3 शाखाएं हो जाती हैं और बाएं की 2 शाखाएं हो जाती हैं। और ये जो श्वसनीय होती हैं इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अब जब ये फुफ्फुस में प्रवेश करती है तो इसकी और अधिक शाखाएं हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं यानी कि ब्रोंकियोल्स, पतली पतली महीन शाखाएं हो जाती हैं। ये शाखाएं जो होती हैं अब इसमें उपास्थि नहीं है और ये जो होती है प्रत्यास्था उत्तक की बनी होती है। That is elasticity. प्रत्यास्था उत्तक का क्या मतलब है? क्योंकि हम वायु लेते हैं, ठीक है? वायु लेते हैं तो because of elasticity वो फैल जाती है, उनको फैलने की जगह मिलती है और जब हम वायु बाहर निकालते हैं तो वो वापस से पिचक जाती है या हम कह सकते हैं संकुचित हो सकती है। तो ये जो है प्रत्यास्था उत्तक की बनी हुई होती है और बहुत सारी शाखाएं दोनों फुफ्फुस में होती हैं। इन श्वसनिकाओं का जब अंत होता है तो छोटे छोटे वायु कोष्ठ होते हैं जिनको हम कहते हैं एलवियोली। एलवियोली जो होते हैं आपके गुब्बारे के समान रचना होती है, एलवियोलाय बोलते हैं जिनको, वायु कोष्ठ, ठीक है, गुब्बारे के समान रचना। या फिर आपने अंगूर के गुच्छे देखे हैं जिसमें एक शाखा उसकी और अधिक शाखा है और उसके बाद असंख्य खूब सारे छोटे छोटे अंगूर। तो उसी तरह से हमारे उसमें असंख्य वायु कोष्ठ होते हैं और इन वायु कोष्ठों में जब हम वायु अंदर लेते हैं तो उसमें वायु भरती है और ये वायु कोष्ठ फैल जाते हैं। दैट मीन्स ये वायु कोष्ठ किसके बने हुए होते हैं? वही प्रत्यास्था उत्तक, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी इन नेचर। अब अगर हम देखें तो ये हमारे लंग्स है, ठीक है, और इन दोनों लंग्स के अंदर आपके श्वसनिकाएं भी हैं और वायु कोष्ठ भी है। यानी कि अब श्वसनिकाएं और वायु कोष्ठ मिलकर के दो लंग्स का निर्माण कर रही है, दो फुफ्फुस आपके बन गए। तो नेक्स्ट ऑर्गन आपका आ जाएगा वायु फुफ्फुस। यानी कि अगर हम ऑर्गन्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले नासा गुहा, फिर ग्रसनी हो गया, फिर स्वर यंत्र हो गया, फिर श्वास नली हो गया, देन श्वसनिकाएं हो गया, है ना, उसके बाद श्वास नली के बाद श्वसनिकाएं, फिर वायु कोष्ठ। और अगर हम देखें तो श्वसनिकाएं और वायु कोष्ठ जो है वो हमारे फुफ्फुस में स्थित है। तो नाउ वी विल डिस्कस योर लंग्स। दो लंग्स होते हैं, एक दायां और एक बायां। दायां जो फुफ्फुस होता है उसमें 3 खंड होते हैं क्योंकि 3 शाखाएं जा रही हैं, मैंने पहले बोला, तो इसका मतलब उसमें हमें 3 खंड दिखाई देते हैं और बाएं में 2 खंड दिखाई देते हैं। दायां खंड थोड़ा हल्का होता है, इसका वजन 620 ग्राम होता है और बाएं का करीब 570 ग्राम होता है। और अगर इसको हम देखें पुरुष और महिलाओं में तो महिलाओं का जो लंग्स है वो थोड़ा हल्का होता है वेट में और पुरुषों का थोड़ा भारी होता है। ये जो दोनों है ये कहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे आपको डायफ्राम दिखाई दे रहा है, मध्य छत्ता पेशी, उसके ऊपर ये रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम ये देखें व्हाट इज मध्य छत्ता पेशी, तो मैंने बहुत बार बताया कि मध्य छत्ता पेशी एक आड़ी पेशी होती है जो हमारे धड़ वाले हिस्से को 2 में डिवाइड करती है, ऊपर का वक्ष गुहा और नीचे का एब्डोमेन कैविटी यानी कि उदर गुहा। तो वक्ष गुहा के ऊपर दोनों लंग्स जो है वो हमारे रेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारे शरीर के मुख्य अंग रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, जहाँ पे हम मतलब हमारा जो मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल कि ये फुफ्फुस जो है वो कैसे कार्य करते हैं और व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ लंग्स।